पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में 2 नवंबर से सजने वाले इंडियन व इंटरनेशनल फिल्मों की महफिल में शरीक होने 5 इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स आएंगे। ये जानकारी फेस्टिवल आयोजक रितु सरीन और तेंजेन सोनम ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि DIFF के इस वर्ष आयोजित किए जा रहे 6 संस्करण में कई अवार्ड विनिंग फिल्में दर्शकों को आकर्षित करेंगी। इस वर्ष फेस्टिवल का आगाज शुभाशीष भुटियानी की फिल्म मुक्ति भवन से होगा, जबकि समापन अवसर पर रीमा दास की विलेज रॉकस्टार्स की फिल्म से दर्शकों का मनोरंजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुक्ति भवन फिल्म के मुख्य कलाकार आदि हुसैन जहां अपनी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, वहीं विलेज रॉकस्टार्स फिल्म हाल ही में मुंबई में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड जीत चुकी है। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री कोंकण सेन शर्मा द्वारा निर्देशित एंड इन द गुज भी फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। इस दौरान अन्य फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में और बच्चों की फिल्में भी फेस्टिवल की शोभा बढ़ाएंगी। हाँ, इस बारी हमारा ये 6 धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है नवंबर 2 से 6 तारीख तक, और इसमें हमारे को इस बारी 45 फिल्म दिखा रहे हैं और 24 फिल्म मेकर आ रहे हैं। पूरी दुनिया से फिल्म मेकर आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर इंडिया से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया अवार्ड विनिंग फिल्म है, और ये टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज द लेक के पास प्रोग्राम होगा और मैक्सिमस मॉल गोल्ड सिनेमा में भी प्रोग्राम होगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर diff.co.in में ढूंढ सकते हैं और इसको स्कैन करेंगे तो आप देख सकते हैं। इसमें हिमाचल की कितनी फिल्में दिखाई जाएगी? जी, इस बार हमारी हिमाचली फिल्म हमने आउटरीच में 1 दिखाई थी, और इस हमारा एक फिल्म फेलो प्रोग्राम होता है जिसमें हम 5 लोग सिलेक्ट करते हैं पूरे इंडियन हिमालयन रीजन के लिए। तो उसमें 2 हिमाचली लोग आ रहे हैं, एक शिमला से सिद्धार्थ चौहान और एक बिलासपुर से पीयूष कमला। बॉलीवुड से कौन आ रहा है? इस बार हमारी बॉलीवुड फिल्म्स तो नहीं होती, इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती हैं, मगर कोंकणा सेन शर्मा आएंगी, आर्यन हुसैन आएंगे और भी कोई नए एक्टर्स, एक है सयानी गुप्ता आएगी और इकबाली खन्ना।